सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। ऑलमोस्ट 14 साल के बाद में हमें इनक्रेडिबल्स देखने को मिली है और इस मूवी को देखने के लिए हमें एक और हफ्ता वेट करना पड़ा क्योंकि भाई की रेस 3 15 जून को रिलीज हो रही थी। इसको देखते हुए इस मूवी को काफी स्क्रीन्स नहीं मिल पा रहे थे जिसकी वजह से इस मूवी के प्रोड्यूसर्स ने इस मूवी को एक हफ्ता आगे पुश कर दिया क्योंकि अगेन भाई की मूवी से कौन पंगा लेना चाहता है बॉस। और मूवी 15 जून की बजाय 22 जून को रिलीज हुई। वेल भाई की मूवी को तो भर भर के रेटिंग मिली है IMDb पे, यकीन नहीं होता, खुद ही देख लीजिए। ओके माय बैड अभी आप सोच रहे होंगे कि यार इस मूवी ने 14 साल का गैप दे दिया है, यार ऐसा कौन करता है। तो आपको याद दिला दूं, फाइंडिंग डोरी जो कि सीक्वल थी फाइंडिंग नीमो की आई थी 13 साल के बाद। मॉन्स्टर्स इंक यूनिवर्सिटी जो कि सीक्वल थी मॉन्स्टर्स इंक की रिलीज हुई थी 12 साल के गैप के बाद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉय स्टोरी 3 जो कि सीक्वल थी टॉय स्टोरी 2 की रिलीज हुई थी 11 साल के गैप के बाद। सो डोंट ब्लेम द मूवी, ब्लेम द प्रोडक्शन कंपनी डिज्नी पिक्सर व्हाटएवर। एनीवेज इनक्रेडिबल्स 2 को भी ब्रैड बर्ड ने ही डायरेक्ट किया है जिन्होंने इस मूवी के पहले पार्ट को भी डायरेक्ट किया था। और ये इतने सालों के बाद में इस मूवी को लेकर आए हैं क्योंकि इन्होंने कहा था जब तक इनको एक अच्छी स्टोरी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी ये इस मूवी का सीक्वल नहीं बनाएंगे। तो लगता है फाइनली 14 साल के बाद में इनको स्क्रिप्ट मिली गई थी। एंड ऑफकोर्स ये मूवी क्योंकि इतने सालों के बाद आई है तो ऑफकोर्स इसमें बहुत सारी प्लानिंग लगी होगी और ये एंश्योर किया होगा कि मूवी लोगों को पसंद आए। सिर्फ पसंद ही नहीं, पहली मूवी से भी ज्यादा पसंद आए। तो क्या ये मूवी पहली मूवी से ज्यादा अच्छी थी और क्या ये मूवी अच्छी थी, लेट्स फाइंड आउट। स्टोरी कंटिन्यू होती है मूवी के फर्स्ट पार्ट से जहां पर हमने फर्स्ट पार्ट के एंड में देखा कि अंडरमाइनर सिटी पर अटैक करने वाले हैं। इस मूवी में वो क्लियर हुआ कि वो अटैक नहीं करने जा रहे हैं, वो बैंक लूटने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पहली मूवी में देखा था इनक्रेडिबल्स वहां पहले से मौजूद रहते हैं इन्हें रोकने के लिए, मगर अंडरमाइनर को ये रोक नहीं पाते न ही उसे पकड़ पाते हैं और अंडरमाइनर को रोकने के चक्कर में काफी तबाही भी मच जाती है जिससे गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि सुपर हीरोज की कोई जरूरत नहीं है, ये लोगों को बचाने के चक्कर में काफी नुकसान कर देते हैं और ये चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और इसीलिए सुपर हीरोज अब एक तरीके से इलीगल घोषित कर दिए गए हैं। अब हमारे इलास्टिकल मिस्टर इनक्रेडिबल्स और उनके परिवार को एक नॉर्मल जिंदगी बितानी पड़ती है। अब नॉर्मल जिंदगी मतलब पैसों की तंगी और जिससे नॉर्मल जिंदगी होती है काफी लोगों की, इनके परिवार में भी चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। तभी इनको एक आदमी विंस्टन डेवर से ऑफर आता है जो कि कहता है कि ये सुपर हीरोज को फिर से लाना चाहता है और दिखाना चाहता है लोगों को कि सुपर हीरोज क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में, मगर चीजें उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती हैं। और आगे क्या होता है दैट आई कांट टेल यू बिकॉज इट विल बी स्पॉयलर्स। सुपर हीरोज को लीगल करने के लिए किस किस दिक्कत से गुजरना पड़ता है इस परिवार को और क्या ये सुपर हीरोज को लीगल कर पाएंगे, यही स्टोरी है मूवी की। ये मूवी एक्चुअली रिलीज होने वाली थी 21 जून 2019 को बट इसे एक साल पहले रिलीज कर दिया गया और इसकी एक्चुअल रिलीज डेट यानी कि 15 जून 2019 दे दी गई टॉय स्टोरी 4 को जो कि रिलीज होने वाली थी इस साल बट प्रोडक्शन इश्यूज की वजह से ये डिले हो गई। तो अगर आप ये मूवी ध्यान से देखेंगे तो काफी सीन्स में 15 साल बोला गया है जो कि एक्चुअल में 14 साल होना चाहिए था क्योंकि ये मूवी एक साल पहले रिलीज हुई है। तो अगर एक्चुअली आप 15 साल सुनते हैं तो वो एक्चुअल 14 है। 15 साल एक्चुअली रिफर कर रहा है 2019 के रिलीज डेट को लेकर। आई डोंट नो कि क्यों इस वॉइस ओवर को चेंज नहीं किया गया यू नो फाइनल एडिटिंग में, बट स्टिल जस्ट आई थॉट जस्ट यू शुड नो दैट। ओके तो बात करते हैं मूवी की क्योंकि इतने सालों के बाद में ये मूवी देखने को मिली, मैं इसी चीज से काफी एक्साइटेड था। और ये बात अच्छी लगी मूवी की कि एग्जैक्टली 14 साल पहले जो मूवी ने हमें फील दी थी वही फील ये मूवी भी हमें देती है तो काफी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। इतना ही नहीं मूवी की वॉइस कास्टिंग भी वही सेम थी जो कि पहली मूवी की थी, उन्हीं लोगों ने आवाज दी जिन्होंने मूवी के फर्स्ट पार्ट में आवाज दी थी सिर्फ डैश के कैरेक्टर को छोड़ के, जिनकी आवाज इस बार दी है हक मिलनर ने क्योंकि इनकी पहली आवाज देने वाले स्पेंसर फॉक्स की आवाज 14 साल में थोड़ी भारी हो गई थी। मूवी एक्शन सीन से फनी सीन से और कुछ हिलेरियसली फनी सीन से भरी पड़ी हुई है। इस मूवी में इलास्टिक गर्ल और उनके बच्चे जैक जैक को ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है। इलास्टिक गर्ल एज ऑलवेज एक प्राउड मॉम है और एक रेस्पॉन्सिबल सुपर हीरो है। वो एक्चुअली इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर इनक्रेडिबल जो सिर्फ किसी भी हाल में लोगों को बचाना चाहते हैं नो मैटर द डैमेज। इसी रीजन को मूवी में एक्सप्लोर किया गया है और रोल्स को स्विच कर दिया गया है, यानी कि इलास्टिकल का काम मिस्टर इनक्रेडिबल को दे दिया गया है और मिस्टर इनक्रेडिबल का काम इलास्टिकल को दे दिया गया है। इलास्टिकल दुश्मनों से लड़ती है जबकि मिस्टर इनक्रेडिबल बच्चों को संभालते हैं घर में। ऑफ कोर्स ये उनको पसंद नहीं है बट कम ऑन, रियल लाइफ हो
या रियल लाइफ हो या एनिमेशन हो कार्टून हो, देवी के सामने किसकी चलती है भाई। जायचा के कैरेक्टर को रियली एक्सप्लोर किया गया है और बहुत ही सही तरीके से। किड्स आर गोइंग टू लव हिम एंड अदर्स आर गोइंग टू एंजॉय दिस कैरेक्टर। इनकी एंट्री जब भी होती है मूवी में, इट्स लाइक द फनीएस्ट एंड द क्यूटेस्ट मोमेंट एवरी टाइम। स्टोरी की बात करें तो थोड़ी सी स्टोरी मुझे वीक लगी। आई मीन विलन के कैरेक्टर के डार्कर साइड को थोड़ा और दिखाना चाहिए था। एक्सप्लेनिंग व्हाई द कैरेक्टर डिड What it did। सैमुअल जैक्सन को एज फ्रोजन कौन नहीं पहचानता। इनकी आवाज ऐसी है कि भले ये किसी भी कैरेक्टर का वॉइस दे, हम तुरंत पहचान जाएंगे इनकी आवाज। बट मुझे ऐसा लगा कि इनको थोड़ा कम स्क्रीन टाइम मिला, थोड़ा 3-4 या 5 मिनट और देना चाहिए था। बिकॉज फ्रेंकली आई वॉज रियली एंजॉइंग फ्रोजन। मूवी में हर एक कैरेक्टर पे बराबर फोकस किया गया है और हर एक के लाइफ के कुछ हिस्से को दिखाया गया है। जैसे इलास्टिकल के ऊपर तो पूरी मूवी ही थी, मिस्टर इनक्रेडिबल परिवार को संभालते रहे हैं, वॉयलेट पर अपने लव लाइफ को एक्सप्लोर कर रही है, और अवर लिटिल किड जैक जैक इज एक्सप्लोरिंग हिज ओन अनलिमिटेड मल्टीपल सुपर पावर्स। बट अनफॉर्चुनेटली डैश के कैरेक्टर को उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया। बिसाइड्स फ्रॉम शोइंग सम फनी सीन्स ऑफ हिम, डैश के कैरेक्टर को और एक्सप्लोर करना चाहिए था। डैश का कैरेक्टर फनी था और इनको भी कुछ देना चाहिए था मूवी में। इनके कैरेक्टर के साथ में भी किसी चीज को लिंक करना चाहिए था एंड यू नो आई वुड हैव लव्ड इट, बट They didn't do it। Overall, 2 घंटे 5 मिनट की ये मूवी सिर्फ आपको ही नहीं आपके परिवार को भी फुल्ली एंटरटेन करके रखेगी, हंसाएगी, इमोशंस दिखाएगी और रुलाएगी तो बिल्कुल भी नहीं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 out of 10। तो जाइए इस मूवी को देखिए और एंजॉय कीजिए। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।